कैसे बनाएंगे। हालांकि उसके पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि पीडीएफ कैसे बनाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो इतने लंबे प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या करेंगे, आप गूगल पे जाइए। गूगल पे जाने के बाद लिखिए यहाँ पे पीडीएफ फैक्ट्री प्रो डाउनलोड, ठीक है ना। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद ये पीडीएफ फैक्ट्री प्रो है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है सॉफ्टोनिक में, पीडीएफ फैक्ट्री प्रो, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप जैसे आपको प्रिंट आउट निकालना, मतलब इसका पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ बनाने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, कंट्रोल पी करेंगे। कंट्रोल पी किया, अब यहाँ लिखा प्रिंटर सेटअप, प्रिंटर सेटअप पे गए, ये लिखा है पीडीएफ फैक्ट्री प्रो, ये मैं डाउनलोड कर रखा हूँ। यहाँ पे आपने ओके कर दिया, यानी प्रिंट पे ओके कर दिया। और यहाँ से प्रिंट कमांड देंगे आप, प्रिंट कमांड जब देंगे तो यहाँ पे दिखाएगा टाइप करने के लिए, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने के बाद यहाँ से सेव, ये बन गया लेकिन इसे सेव नहीं हुआ है। सेव करने के लिए, अब ये सेव करने के लिए मांग रहा है, जो भी नाम देना हो आप, ABCD जो भी देना हो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको क्लोज कर दीजिए। अब आप इलस्ट्रेटर ओपन कीजिए, मैं इलस्ट्रेटर ओपन कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप एक नई फाइल ले लीजिए, ठीक है, नई फाइल ले लिया। अब वो वाली फाइल, ये जो मैंने पीडीएफ बनाया था, इसको ड्रैग करते हुए आप इलस्ट्रेटर में लेके आइए, यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर डाल दिए। फिर आप गए ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर जाएंगे फ्लैट एंड ट्रांसपेरेंसी, कन्वर्ट ऑल टेक्स्ट टू आउटलाइन, यहाँ करेंगे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक किए, अनग्रुप कर दिए, या ना भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। रिलीज क्लिपिंग मास्क, ये हटा दीजिए, और इसको कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे तो इसको आप जो है यहाँ पे EPS फॉर्मेट में सेव करना है। यहाँ पे सेव किए, सेव करने के बाद यहाँ पे इसका वर्जन जो है थोड़ा लोअर रखेंगे, अगर लोअर वर्जन में काम करना है तो लोअर रखेंगे, नहीं तो इसे जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे 20 में कर रहे हैं, 18 में, 19 में कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें आसानी से इम्पोर्ट हो जाएगा। मैं 10 कर रहा हूँ, इसको मैंने कर दिया ओके, ठीक है, ओके कर दिया, इसको अब क्लोज किया। अब इसको मैं लेके आता हूँ तो आप देखेंगे ये कितनी आसानी झट से आ गया ये, और बिल्कुल ओरिजिनल, ये जो है बिल्कुल ओरिजिनल है। इसको ट्रेस करने की आपको बिल्कुल भी कहीं से भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं ना। तो आपको पता चल गया ना, पीडीएफ फैक्ट्री प्रो आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, और उससे आप कमांड देंगे, पीडीएफ बन जाएगा। पीडीएफ जो है ले जा करके इलस्ट्रेटर में इसको ओपन करेंगे, वहां से कर्व कर लेंगे, डायरेक्ट फ्लैट एंड ट्रांसपेरेंसी में जाकर कर्व कर लेंगे, फिर EPS लोअर वर्जन में बना करके यहाँ पे लाके ड्रैग कर लेंगे। तो चलते हैं हम अगले वीडियो में, आपको एक हेडिंग बना के दिखाता हूँ।